हेलो फ्रेंड्स, ये एक सैमसंग का पावर सप्लाई है। ये अभी हमारे पास डेड कंडीशन में आया, तो देखिए इसको मैंने फर्स्ट इसका जो सप्लाई है वो चेक करते हैं। लाइन दिया, ये देखिए, ये मीटर का जो मीटर पे देखो ऊपर देखिए, ये 396 वोल्ट बता रहा है। ये मेन फिल्टर का है, तो इसका जो पावर सप्लाई का जो स्टैंड बाई वोल्टेज होती है, देखिए यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखा, मीटर पे दिखा, कुछ वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। तो अभी मैंने इस पावर को ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ कर दिया, ये डिस्चार्ज कर रहा हूँ। तो पावर सप्लाई में देखिए, यहाँ पर जो PWM IC लगा हुआ था वो मैंने निकल रहा हूँ। इसका नंबर है यहाँ पर देखो, ICE3BR06650J। ये एक PWM IC है। तो एक टेक्नीशियन दूसरा टेक्नीशियन कोई देखा, इसको खोल खाल करके इसको मरम्मत करने का कोशिश किया, लेकिन रेडी नहीं कर पाया। तो अभी लॉकडाउन है, इसलिए मार्केट बंद है। तो मार्केट बंद होने के कारण मैं इस PWM IC को खरीद नहीं पाया। तो अभी हम आपको दिखाऊंगा कैसे इसको मॉडिफिकेशन करूंगा, एकदम सिंपल शॉर्ट मेथड के पद्धति में। तो इसलिए लगेगा, एक यहाँ पर देखो, एक 5LO38R, ये एक STR है, और चाहिए 220K 1 वाट का रेजिस्टेंस, एक 104 नंबर जो PF होती है वो लगेगा, और एक 24 वोल्ट का जेनर चाहिए फॉर सेफ्टी। इसीलिए तो अभी हम इसको कनेक्शन करूँगा। तो इसका तो PWM IC है वो तो मैंने पहले खोल दिया। तो इस PWM IC का कॉन्फ़िगरेशन, पिन कॉन्फ़िगरेशन में देखो जानकारी चाहिए, तो मैं इसको अलग से लिख के रख दिया। तो इस जो IC है PWM, ये एक नंबर हो गया, एक नंबर तो दो नंबर फीडबैक है, 4 और 5 नंबर ड्रेन है, 6 नंबर ANC है, 7 नंबर VCC, 8 नंबर ग्राउंड होती है। तो ये जो STR है 5LO380, तो इसका एक नंबर अच्छा करके दिखाओ या पर। तो ये जो STR है इसका एक नंबर हो गया आपका माइनस, जो मेन कैपेसिटर का माइनस पे लगता है। तो मैंने इसको माइनस, जो कैपेसिटर का माइनस लाइन है उससे कनेक्शन कर रहा हूँ। देखिए आप ध्यान से, ये देखिए, ये माइनस से मैं कनेक्शन कर दिया। इसका जो 2 नंबर पिन है वो हो गया आपका ड्रेन, वो हो गया आपका ड्रेन। तो मैंने तो पहले बोल दिया कि ये जो PWM IC होती है इसका 5 और 6 नंबर ड्रेन है, तो मैंने 5 और 6 नंबर ड्रेन के साथ कनेक्शन कर दिया। ठीक है, बाकी 3 और 4, जो 3 नंबर पिन है वो हो गया आपका रनिंग सप्लाई, जो ट्रांसफार्मर का जो डायोड है प्राइमरी से, उससे 14 नहीं तो 15 वोल्ट निकालेगा, उससे मैंने कनेक्शन करूंगा। तो ये है इसका वो वाली सप्लाई, उससे मैंने कनेक्शन कर दिया।
और चार नंबर जो है वो लगेगा फीडबैक के साथ। तो फीडबैक हमारे जो PWM IC है, फीडबैक उसका 2 नंबर पिन से, तो यही है उसका 2 नंबर पिन। ये देखिए इसका 2 नंबर पिन से मैंने कनेक्शन कर दिया। तो अभी कुछ मॉडिफिकेशन है, ये जो STR है 5L38TR, इसका 3 नंबर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों ही काम करता है। तो अभी हम इसको, ये जो मेन कैपेसिटर है 300 वोल्ट का, वहां से एक 220 के रेजिस्टेंस लेके, देखिए यहाँ पर मैंने एक 220 का 1 वाट का रेजिस्टेंस लगा दिया, देखिए। और इसका जो रनिंग सप्लाई होती है STR का 3 नंबर पिन पे, ये है इसका 3 नंबर पिन, वहां पर मैंने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। और जो रेगुलेटिंग का जो ऑप्टोकपलर है, वो ऑप्टोकपलर यही है, ये वाला, यहाँ पर दिखाओ, ये वाला वो ऑप्टोकपलर, ये, ठीक है। तो इसका 3 और 4 नंबर पिन पे मैंने एक 104 वाला जो PF होती है वो लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। और सेफ्टी के लिए एक जिनार डायोड लगाना होगा आपको, तो वो मैंने लगाऊंगा जो 14 वोल्ट का जो कैपेसिटर होती है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव से। ये देखिए अच्छा करके दिखा दो, ये देखिए ये मैंने लगा दिया। तो अभी हम इसको लाइन देगा और देखेगा पावर सप्लाई मेरा रेडी होगा कि नहीं होगा। तो मैंने इसको दोबारा लाइन दे रहा हूँ, लाइन दे दिया, मीटर पर दिखाओ, वहाँ पर दिखाओ, वो 395 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। और आउटपुट मैं देखूंगा, आउटपुट रेडी हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो मीटर पर दिखाओ, ये देखो मेरा 13 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये 5 वोल्ट का लाइन यहाँ पर दिखाओ, यहाँ पर लिखा रहो मीटर, ये देखिए मेरा 5 वोल्ट जो है वो पूरा सही हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसको एक बार लोड देके देखूंगा जब मेरा पावर सप्लाई ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने इसको अभी लोड दे रहा हूँ एक मोटरसाइकिल, जब मोटरसाइकिल का जो बाल्ब होती है 12 वोल्ट का, वहां से मैंने इसको आउटपुट में लोड देगा। तो देखिए मैंने इस 13 वोल्ट जो लाइन होती है वहां पर मैंने लगा दिया, ये देखिए बाल्ब पूरा ग्लो कर रहा है, मतलब मेरा पावर सप्लाई बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको, मैं ये दिखाऊंगा इसका एम्पियर कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर कितना वोल्ट बता रहा है, 13.3 मीटर पर दिखाओ, 13.34 वोल्ट रहा है वोल्टेज, तो ये विदाउट लोड पे। तो अभी हम इसको लोड पे देखूंगा ये वोल्ट कितना ड्रॉप हो रहा है, देखिए कि मैंने लोड दे के दे दिया और मीटर पर दिखाओ, 11.83 वोल्ट बता रहा है, मतलब पूरा बिल्कुल ओके हो गया मेरा पावर सप्लाई, कोई वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज नहीं ड्रॉप कर रहा है, कुछ वोल्टेज 1.23 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, ये इसका होगा ही होगा, आउटपुट में कुछ वोल्टेज कम होगा, तो ज्यादा नहीं हो रहा है, मीन्स पावर सप्लाई मेरा ओके हो गया। और ये मेरा 5 वोल्ट का जो लाइन होती है उसका लोड मैंने दे दिया, देखिए बाल्ब कम जल रहा है क्योंकि ये तो 5 वोल्ट का लाइन है और मैं तो 12 वोल्ट का बल्ब जला दिया, तो देखिए बल्ब तो ग्लो कर रहा है, मीटर पर दिखाओ, देखिए वोल्ट एकदम बिल्कुल ठीक है, कुछ फ्लैक्चुएशन नहीं कर रहा है, तो ये पावर पूरा हमारा ओके हो गया। तो इस तरीके से आप नॉर्मल वाली जो पावर सप्लाई आती है
लगभग 2-3 एम्पियर का जो पावर सप्लाई होती है 32 इंची का, कुछ कुछ सब कुछ में नहीं चलेगा ये मॉडिफिकेशन, इसलिए आपको दूसरा मॉडिफिकेशन करना होगा। तो ये जो मॉडिफिकेशन मैंने कर दिया ये लगभग 40-60% में चल जाता है। आपको देखना होगा कि आउटपुट में कितना लोड है, यही पहला बात है। ठीक है, थैंक यू।